हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.7 डिफ्रेंशिएशन चैप्टर का। प्रश्नावली 5.7 हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर एक। इसमें कह रहा है 1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, यानी इसका अवकलन करना है हमें एक्स के सापेक्ष। यहाँ पे है कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स, इसको हमें अवकलन करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है वाई बराबर कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स, इसको हम लिख लेंगे सबसे पहले कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स। अब दोनों तरफ हम लॉग लगा देंगे, लॉग इधर लगाए लॉग तो ये हो गया लॉग वाई, बराबर है तो बराबर, यहाँ पर लॉग लगाएंगे तो लिखेंगे लॉग कॉस एक्स, अगुना है तो प्लस, फिर यहाँ पे लॉग लगाएंगे तो लॉग कॉस टू एक्स हो जाएगा, फिर गुना है तो यहाँ पर प्लस, फिर लॉग लगाएंगे और कॉस थ्री एक्स, इस तरह से कर दिए। उसके बाद हमें करना क्या, जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। जब इन सबको डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम इन सबको अच्छी तरह से नीचे डी एक्स लगा देते हैं, इसको डी, इसको यहाँ पे उतार दिए, फिर नीचे डी एक्स, फिर प्लस है तो प्लस, फिर डी लिख के अपॉन डी एक्स, देखे तोड़ने का मशीन लगा दिए यहाँ पे, इसको भी ले दिए, फिर प्लस है तो प्लस दे दिए, फिर यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, इसको यहाँ पे हम उतार दिए। हमें करना क्या है, यहाँ पे जब इसका डिफ्रेंशिएट किए थे तो वन अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स आया, लॉग मरेगा देगा वन अपॉन एक्स, और एक्स के जगह पे कॉस एक्स है इसलिए यहाँ पे वन अपॉन कॉस एक्स, और कॉस का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स, प्लस है तो प्लस, लॉग का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन अपॉन एक्स, एक्स के जगह पे कॉस टू एक्स, और फिर गुना कॉस टू एक्स का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा साइन टू एक्स, कॉस का उल्टा साइन टू एक्स, और इसके लीनियर के गुणांक से गुना करनी चाहिए। ये लीनियर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया, या फिर टू एक्स का जब डिफ्रेंशिएट करिएगा तो इसका हो जाएगा केवल टू। यहाँ पे लॉग का वन अपॉन एक्स, यानी कि एक्स के जगह पे है कॉस थ्री एक्स, इसलिए यहाँ पे कॉस थ्री एक्स, फिर गुना कॉस थ्री एक्स का माइनस साइन थ्री एक्स, और थ्री एक्स का डिफ्रेंशिएट थ्री, ये हो गया आंसर। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वन अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन एक्स गुना एक, यानी माइनस साइन एक्स गुना एक तो होगा माइनस साइन एक्स बटे में कॉस एक्स, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस साइन टू एक्स गुना दो बटे में कॉस टू एक्स, वही लिख दिए, फिर प्लस है तो प्लस, साइन थ्री एक्स गुना थ्री है तो इसको लिखे माइनस साइन थ्री एक्स गुना थ्री बटे में कॉस थ्री एक्स। अब यहाँ पर लिखें वन अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस साइन साइन एक्स बटे कॉस एक्स, फिर यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस साइन टू एक्स गुना दो बटे कॉस टू एक्स, फिर प्लस माइनस माइनस साइन थ्री एक्स गुना थ्री बटे कॉस कॉस थ्री एक्स। यहाँ पे हो गया कॉस थ्री एक्स, इसको फिर लिखेंगे वन अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इन तीनों में माइनस है इसलिए हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन लिए तो ये बचेगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ये माइनस खत्म, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इस टू को आगे कर दिए और साइन एक्स को बाद में लिख दिए, उसके बाद हम क्या किए, ये भी माइनस खत्म, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, थ्री को आगे और साइन थ्री एक्स को बाद में लिख दिए। उसके बाद हमें सबके नीचे हम जैसे था कॉस एक्स कॉस टू एक्स साइन कॉस थ्री एक्स ये सब रहने दिए, उसके बाद वन अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा, ये माइनस का माइनस रह गया, साइन बटे कॉस फॉर्मूला होता है टेन का, फिर प्लस है तो प्लस, टू को रहने दिए साइड में, साइन टू एक्स बटे कॉस टू एक्स हो जाएगा टेन टू एक्स का फॉर्मूला, फिर प्लस है तो प्लस, साइन बटे कॉस टेन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे थ्री एक्स है इसलिए यहाँ पर भी थ्री एक्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वन अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये सब तो हो गया कम्प्लीट, यहाँ पे सब तो लिख दिए, उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स, ये जो वाई था यहाँ पे भाग में है, ये वाई भाग में है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे टेन एक्स प्लस में टू टेन एक्स प्लस में थ्री टेन एक्स, और यहाँ पे वाई का जो वैल्यू है, वाई का यहाँ पे हम वाई का जो वैल्यू था वो यहाँ पे पुट कर दिए, वाई का जो वैल्यू है वो है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स, यानी क्वेश्चन जो था वही क्वेश्चन को यहाँ पे उतार दिए, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो है उसको यहाँ पे हम उतार दिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं अगले वीडियो में।